और इस वक्त मथुरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक श्रीराम मंदिर में ईंट पत्थर फेंके गए हैं। इतना ही नहीं, पुजारी के साथ मारपीट का भी मामला सामने आ रहा है। हालांकि इन असामाजिक तत्वों को पकड़ने में पुलिस नाकाम रही। बताया जा रहा है कि ईंट पत्थर फेंकने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, तो वहीं इस मामले के बाद इलाके में सनसनी फैल गई, तो वहीं पुलिस महकमे में भी हड़कंप का माहौल है। आपको बता दें कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए अब जांच शुरू हो चुकी है। मथुरा में थाना राया के अंतर्गत स्थित श्रीराम मंदिर के पुजारी के साथ मारपीट और मंदिर में ईंट पत्थर फेंकने का मामला सामने आया है, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली, पुलिस तुरंत मंदिर की ओर दौड़ पड़ी, लेकिन तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुके थे। घटना की सूचना पाकर स्थानीय लोग और हिंदू संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस के आला अधिकारी भी स्थिति को संभालने के लिए मंदिर पहुंचे और लोगों से बातचीत कर मामले को शांत करने का प्रयास किया। आज एक हमारा राया का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, श्री राम मंदिर, जो मार्ट चौराहे पर है। आज उस पर एक असामाजिक तत्व जिसका नाम शेर खान है, और वो पहले भी हिंदुओं के खिलाफ बहुत कार्रवाई मतलब हमला कर चुका है, उसने आज हमारे मंदिर पर हमला किया। मंदिर की कबाड़ों को तोड़ने की कोशिश की, वहाँ पर जो पुजारी थे उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की तो उन पर भी हमला किया और उन पर वो हावी हो गया, उनको मारने पीटने के लिए तैयार हो गया। वो तो पुजारी जी ने अपने मंदिर के पट बंद कर दिए, अन्यथा बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। अब पुलिस ने क्या कार्रवाई की इस पर? पुलिस ने हमको आश्वासन दिया है कि हम उनके खिलाफ रिपोर्ट लिख रहे हैं, उसका गुंडा एक्ट देखेंगे, गुंडा एक्ट बना करके जलावतर की कार्रवाई भी करेंगे और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, मानसिक विक्षिप्त होने की बात कही जा रही है। मानसिक विक्षिप्तता उसकी हिंदुओं के खिलाफ भी क्यों होती है, मुसलमानों के खिलाफ क्यों नहीं होती? वो जब भी जो भी हमला करता है वो हिंदुओं के खिलाफ ही करता है, तो ये केवल उसको बचाने की कोशिश है कि वो मानसिक विक्षिप्त है। ऐसा कुछ नहीं है, उसकी मानसिकता केवल हिंदुओं को टारगेट करना है। इस दुर्गा पूजा न्यूज यूएनआई लेकर आया है बड़ा ऑफर। अब आप चला सकते हैं अपना एड, वो भी बिल्कुल फ्री। जियो टीवी, प्ले ऑन, ई बाबा, यूट्यूब, फेसबुक, अब आप चला सकते हैं एड एक महीने के साथ एक महीना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की, एड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट पर या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर।